अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है तीसरा रोज़ा और आज जो है मेरी छुट्टी भी है, घर में साथ साथ काम भी चल रहे हैं, कुकिंग भी चल रही है। तो फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। जो है मैंने शामी कबाब का मसाला चढ़ा दिया, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। प्रेशर कुकर में मैं नहीं बना रही आज, क्योंकि उसका हैंडल सही से बन नहीं हो रहा। और साथ में इफ्तारी में क्या क्या बना रही हूँ, इफ्तार में जो मैं बना रही हूँ आज फ़िश बिरयानी। यस, ठीक सुना आपने, फ़िश बिरयानी, क्योंकि इम्तियाज़ बहुत बड़े फ़ैन हैं फ़िश के, तो उनको सर्दी गर्मी कुछ नहीं करता, बस फ़िश होनी चाहिए। तो फ़िश बिरयानी के लिए अभी तो इफ्तार में खैर बहुत सारा टाइम है, अभी राइट नाउ 3:15 हो रहे होंगे, तो अभी तो मैं इसके प्रेप स्टार्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास सेला राइस ली हैं, ये मेरी फ़िश थी, मैंने 1 वीक पहले इस पर तंदूरी मसाला लगा के रखा था, तो अभी मैंने फ्रीज़र से ही निकाला है इसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए। तो इसको मैं प्रिपेयर करना शुरू करूँगी 5:30-5:15 बजे तक। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं पूरा दिन में आज। अच्छा जी, एक मैं आपसे हैक शेयर करने लगी हूँ। अगर आपके पास इस तरह का ब्राउन पेपर हो ना, जो आटे में अमूमन आता है या कुछ दूसरी ग्रॉसरी वगैरह में, तो उसमें अगर आप अपना धनिया और पुदीना इस तरह से रखें गीला करके, कागज़ को थोड़ा हल्का सा डैम्प कर लें, उसके अंदर ये रख लें, तो ये देखें ये मेरे पास 1 वीक से है ये पुदीना और धनिया, और अब तक बिल्कुल फ्रेश है, लाइक बिल्कुल। मैं जो है इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी, मिर्ची ऐड कर दूँगी, धनिया, जीरा, नमक में और इस तरह से ऐड करें, हल्दी, मेरे पास ना टीस्पून पड़े हैं सारे, तो हल्दी। अच्छा, अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है 3 बड़े चमचे लहसुन अदरक, 10 से 12 साबुत लाल मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि मैं इसको हाथ से ही घोटूंगी, तो इसलिए मैं इस दफ़ा साबुत गरम मसाला यूज़ नहीं करती, वरना इसमें मैं साबुत गरम मसाला भी डालती हूँ। नींबू का साइज़ तो दिखाएँ, कितना बड़ा लीमू का साइज़ है। कौन से लीमू है, चाइना के? चले, इसका ढक्कन है। यस, ऐसे तो इस तरह जो है हेल्प लेनी चाहिए हस्बैंड्स की, इम्तियाज की आज पूरे दिन में हेल्प यही थी कि इन्होंने हमें, थैंक यू सो मच, आप सामान खरीद के लाए, लीमू का रस निकाल के दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने हरी चटनी बना ली है, दूध ये मैंने बॉईल कर लिया है अपना दही जमाने के लिए, ज़रा अब ये ठंडा हो जाए तो मैं इसके अंदर दही लगाऊंगी। अच्छा, जिस जूसर में मैंने चटनी पीसी थी उसी में मैंने दही ऐड किया है, एक मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ, ये मैं दही बड़ों का दही तैयार कर रही हूँ। अच्छा, फिर इसमें जाएगा नमक, एक हाथ से बड़ी मुश्किल हो रही है, ये नमक ऐड कर दिया मैंने। अब जो है कुटी हुई लाल मिर्च, ये थोड़ी सी ऐड करनी है, देख देख के ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा नमक और ऐड करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, और इसको मैं पीस लूँगी। ये दही मेरा रेडी हो जाएगा दही बड़ों के लिए। अच्छा जी, देखिए मैंने दूध में जो है ना इस तरह से फेंटा लगा लिया है, आप भी गर्म दूध में इस तरह करेंगे तो ये झाग आ जाएगा, तो ये फिर गाढ़ा दही जमेगा जैसा आप डेयरी से लेकर आते हैं। तो यहाँ पे मेरी फ़िश रख ली है मैंने, ये डिफ्रॉस्ट हो चुकी है, अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये मेरी बिरयानी का दम अब मैं लगाने लगी हूँ, जो हरी चटनी मैंने बनाई थी उसके ऊपर रख के, और मछली हम अलग से फ्राई करके बाद में सर्व करेंगे, दम नहीं लगाएंगे मछली में साथ। बिरयानी लग चुकी है दम, हाँ। ओके, तो क्या है आज हमारे पास इफ्तारी में, आज है फिश बिरयानी स्पेशली फॉर इम्तियाज़ साहब,
दही बड़े, तरबूज, पापड़ एंड खजू। बस आज हमारी सिंपल सी इफ्तारी है, जो है खाना खाएंगे डायरेक्ट हम। और अभी कितना टाइम रह गया है, कितना 5 मिनट्स रह गए, तो बस अब हम बैठ के दुआ वगैरह मांगेंगे। आप भी इफ्तार कीजिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इफ्तारी के बाद। दही बड़े, कैसी बनी है बिरयानी? कमल मुझे ये जो है ना मुतमसाद रसूल खैमा में ना उसकी बिरयानी की तरह लगी, फिश बिरयानी, मटका बिरयानी थी। हाँ। वो बहुत जबरदस्त थी। अच्छा, उस तरह से लगी है मुझे। और ये इसमें ग्रीन चटनी का वो टेस्ट आ रहा है? क्या अच्छी बनी है, बाग अली ने तारीफ कर दी, जबरदस्त। बाग अली भी जो है ना बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है, मुझसे भी अच्छी बना लेता है इनफैक्ट। अच्छा ये वीडियो है, इसमें जो है जबरदस्त, बहुत अच्छे शूट किया है। तो कितनी अच्छी लग रही ऊपर वाली लॉबी, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम सब बैठे हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं। मामू का जो घर है वो शूटिंग्स के लिए भी देते हैं ये लोग, तो जो है आए दिन यहाँ पे कभी कोई सॉन्ग शूट होता है, कभी नाच शूट होती है, रमज़ान है तो नातें शूट हुई हुई हैं, और जो है वो वैसे सॉन्ग शूट होते हैं, ड्रामे की भी शूटिंग होती है ना। आए थे सब यहाँ पे, अब्दुल हादी से मिलने में आई थी, मुझे कुछ काम भी था तो पलक बैठी है। आइए, हमारे यहाँ न्यू व्लॉगर आई हैं जी। व्लॉगिंग कर रही हैं आपको शौक है व्लॉगिंग का? अच्छा, आप अपने व्लॉग्स बनाती हैं? और इसके सारे व्लॉग्स बना के डेली मुझे सेंड करती है परीसा। अब्दुल हादी आवाज़ बंद करो ना, मैं बात कर रही हूँ। ये तो फर्जन है, ओहो इनका सर्वेंट भी आ गया वीडियो में, वाह भाई मशहूर हो गया फर्जन तो। ये आ गए सारे बच्चे, आप ले लो अपने हाथ में कैमरा ले लो अब्दुल हादी, उससे दूर पड़ा। तो सारे बच्चे जो हैं मैं मिल ली आके अब्दुल हादी से भी, परीसा से भी, और जो है ऊपर करो ना भाई, दिख ही नहीं रहे हम लोग तो। कोई बात नहीं, आप लगा लो अपना बच्चे। तो बस आई होप कि आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। क्या बोलते हैं हम आखिर में? डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सबको शेयर करें। आप परीसा आप भी कोई मैसेज दे दो। सब्सक्राइब टू चैनल माय खाला व्लॉग। अच्छा, सब्सक्राइब टू माय खालाज व्लॉग, ओके। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय।